एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो इस दफा जनवरी में तो हर रोज ऑलमोस्ट जो है वो स्नो पड़ना शुरू हो गई है। तो ये सुबह सुबह जो है मैं बेटे को स्कूल से छोड़ के आ रही थी, तो सुबह सुबह देखी थी अभी भी थोड़ी थोड़ी स्नो पड़ रही है। तो ये सुबह सुबह का स्नो का नज़ारा है। ऐसे वेदर में यम्मी फूड खाने का बहुत ही मजा आता है। तो एक चैनल है गुलशन लाइफ इन कैनेडा, तो इनकी रेसिपीज भी जो है वो बहुत अच्छी होती हैं। मैं अक्सर इनकी रेसिपीज जो है वो देखती हूँ। आप इनकी रेसिपीज को जरूर चेक कीजिएगा। शाम को बीबी सुनो पढ़ रही थी, तो बड़ा ब्यूटीफुल सा सीन लग रहा था, तो दिल कर रहा था कुछ यम्मी सा खाने को। तो मैंने कहा चलो कुछ यम्मी सा बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक डिजर्ट बनाने जा रही हूँ, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने 4 कप जो है वो दूध ले लिया था। इसमें 4 to 8 टेबल स्पून जो है मैंने शुगर ऐड कर दी है। जब ब्रिंग टू बॉयल आ जाए तो इसमें मैंने एक कस्टर्ड जो है वनीला वो ऐड कर दिया है। तो कस्टर्ड बनाने की रेसिपी तो सबको आती है। यहाँ पे मैं क्रीम बीट करने की जो है वो करने लगी थी। तो यहाँ मैंने क्रीम जो है वो ऐड करके उसको जो है वो बीट कर लिया है। शुगर डालना भूल गई थी, तो इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस और 1 to 2 जो है वो टेबल स्पून शुगर डाल के उसको दोबारा से बीट कर लिया। फिर जो कस्टर्ड प्रिपेयर किया था उसको भी जो है वो मैंने हाफ क्रीम निकाल के उसमें जो है वो बीट कर लिया है। यहाँ पे इसकी असेंबलिंग करेंगे। बिस्किट मुझे चाहिए थे, वो नहीं थे, तो मैं वो केक रस यूज़ कर रही हूँ। उसके ऊपर जो है वो फ्रूट कॉकटेल डाल के, तो जो मैंने कस्टर्ड जो है वो क्रीम के साथ प्रिपेयर किया था उसको उसके ऊपर डाल देंगे। फिर इसके ऊपर फिर से जो है वो फ्रूट कॉकटेल डाल के जो है यम्मी सा जो है वो डिज़र्ट तैयार कर लेंगे। ये चिप चॉकलेट चिप केक है वो इसके ऊपर मैंने डाल दिया था। फिर जो कुछ थोड़ी सी मैंने क्रीम सेपरेटली निकाली थी उसकी लेयर ऊपर लगाने लगी थी, तो वो इनफ नहीं थी, तो फिर मैंने जेली के साथ जो है इसको जो इस तरह से डेकोरेट कर दिया। तो हमारा जो है वो क्विक क्विक यम्मी सा डिज़र्ट जो है वो रेडी है। और बिलीव मी इतना यम्मी बना था, यू कांट मैच। आप इस मस्ट ट्राई कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।